बच्चों यहां तक क्लियर हो गया था तुम लोगों को? यहां तक बात समझ में आ गई थी? इसका तुमने क्या करा था, थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई किया था। किसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर रहा था? 3/5 और 4/TP। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे ना तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, क्या बन जाएगा 20, और 3 आ जाएगा नीचे, और किसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, ये टीपी की वैल्यू आ जाएगी। तो 20/3 ये तुम्हारी टीपी लेंथ आ गई। क्या सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं है? पक्का समझ में आ गया? अच्छा अब सुनना, इसके जैसा क्वेश्चन है तुम्हारा 39, पक्का ट्राई करिएगा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, ये काइट वाला देखो यार, ये सोल्यूशन हो सकता है बदल जाए, लेकिन यार आपको क्या यहां तक का पार्ट समझ में आ गया? यहां तक का, इसको काइट कैसे बनाया गया है, ये काइट बनाने का तरीका क्या है वो समझ में आ गया? काइट बनाने का तरीका बच्चों देखो, एग्जैक्टली सेम लिखना है आपको किसी भी फिगर में जहां पर आपको ये चीजें करनी हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये फिगर जो है ना वो काइट बनानी थी, तो मैंने क्या बोला कि ये गवाह हमने मजबूत यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए। क्या कर गया कि यार ओपी आपका ओक्यू के बराबर और पीटी आपका टीयूक्यू के बराबर, कुछ रीजन है, एडजेसेंट साइड को बराबर करा, काइट बन गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे और भी कई जगह है जहां पर आपको ये सब देखने को मिल सकता है, ठीक है कि नहीं? अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए इसको मिटा दूं? हाँ, हीरोन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नंबर 49। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो हो सकता है मेरे को इसमें कैमरे की मूवमेंट करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 49 मिटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बच्चों, ओए सबको फिगर दिखाई दे रही है, सबको दिख रहा है? चलो ठीक है, देखिए तो इसमें है पता है क्या? अच्छा, इसके लिए ना एक अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करा गया है, ट्रायंगल सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रायंगल सर्कल को अपने अंदर क्या करता है, फिट करता है, उसमें वर्ड क्या यूज करते हैं, सर्कम स्क्राइबिंग। तो कह रहे यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसका एक बहुत ही अच्छा सा नाम है ABC। ये ABC ट्रायंगल क्या करता है, अपने अंदर सर्कल को सर्कम स्क्राइब करता है। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। कहता है कि यार अगर हमने ये मान लिया सर्कल का सेंटर, अगर हमने ये मान लिया सर्कल का सेंटर, और ये सर्कल को हमने ट्रायंगल के अंदर फिट कर दिया, और ट्रायंगल की हर साइड सर्कल को एक ना एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो यानी कि ट्रायंगल का हर साइड सर्कल के लिए एक टेंजेंट का काम करेगा, और टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है, एक ही पॉइंट पर कॉन्टेक्ट बनाता है। जिस पॉइंट पर वो सर्कल के साथ कॉन्टेक्ट बनाता है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि यहां पर कितने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे, 3। एक को हमने नाम दे दिया डी, इसको हमने नाम दे दिया ई, और इसको नाम दे दिया एफ। तो यहां पर आपको कुल मिलाकर के 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिखाई देंगे, डी ई और एफ। सबको क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे होता क्या है, रेडियस टेंजेंट के साथ 90° के एंगल बनाता है। तो अगर मैंने यहां पर बना दिया एक रेडियस, ये 90 बनाएगा यहां पर। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गई होगा, हमको पता था। क्वेश्चन में इसके अलावा एक चीज और दे रखी है, क्वेश्चन बोलता है कि यार इसका जो रेडियस है ना, पता है कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। कहता है कि आपको ये पॉइंट डी अगर दिखाई दे रहा हो, और अगर ये बी और सी दिखाई दे रहा हो, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि बी से लेकर के डी तक की लेंथ पता है कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और डी से लेकर के सी कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? तो बी से लेकर के डी हो गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, और डी से लेकर के सी हो गया तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। क्या सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं है?
चलो ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आपको बताना है कि ए बी की लेंथ क्या होगी और ए सी की लेंथ क्या होगी। आपको यहाँ पर ए बी और ए सी इन दोनों की लेंथ फाइंड करके दिखानी है। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का सबको समझ में आ गया? चलिए देखिए, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यार ये फिगर ना अभी तो बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसमें चीजें ऐड होती रहेगी ना, फिगर थोड़ा सा धीरे धीरे करके कॉम्प्लिकेट होता रहेगा। तो इसको समझने का तरीका ये कि यार साथ साथ कॉपी मत करना, पहले देख लो ठीक से कैसे क्या क्या किया जा रहा है, पहले देख लो ठीक से क्या क्या कॉपी क्या क्या किया जा रहा है, उसके आराम से कॉपी कर लेना। पहले समझिए ध्यान से, पहले समझिए बच्चों, ये आपको ये पॉइंट डी दिखाई दे रहा है, पॉइंट बी दिखाई दे रहा है, ठीक है। पॉइंट बी एक तरह का एक एक्सटर्नल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से टेंजेंट इक्वल होंगे बताना जरा? बीडी और बीएफ। ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, इसको मान लो आप लोग एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से भी बनने वाले टेंजेंट बराबर होंगे, तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक और बराबर होगा, दो लेंथ और बराबर होंगे, बताना कौन कौन से? ए एफ और ए ई। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? ना तो हमको ए एफ पता है और ना ही हमको ए ई पता है, लेकिन हाँ इतना बेसिक नॉलेज है कि यार ये जो भी कुछ रहा होगा आपस में बराबर रहा होगा, है कि नहीं है? ये जो भी लेंथ आपस में रही होगी, आपस में क्या रही होगी? इक्वल रही होगी। तो आपका ये ए एफ किसके बराबर आ गया? ए ई के बराबर आ गया। वही सेम कंसेप्ट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सबको सही में आ गया यहाँ तक का? पक्का क्लियर है? आगे देखते रहिएगा बच्चों। बताइए ध्यान से इस ट्रायंगल को देख करके कि बी से लेकर के सी तक की टोटल लेंथ कितनी हो गई है? 14 सेंटीमीटर। ये ए से लेकर के बी तक की टोटल लेंथ कितनी हो चुकी है? 6 प्लस एक्स, ठीक है। ये ए से लेकर के सी तक की टोटल लेंथ कितनी हो गई है? 8 प्लस एक्स। क्या सबको यहां तक समझ में आ चुका है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक का? चलो ठीक है। तो ये है टोटल मिलाकर के फिगर। अब एक बहुत ही छोटा सा सवाल, इसको मैं फिर 2 मिनट के लिए मिटा रहा हूं। ये है तुम्हारे सर्कल का सेंटर। मैंने क्या करा, सर्कल के सेंटर को एक बार ए से कनेक्ट कर दिया, फिर सी से और फिर बी से ऊपर है यार। क्या आपके यहाँ पर मर्सिडीज का लोगो दिखाई दे रहा है? नहीं देखना था। अच्छा, ये मर्सिडीज का लोगो जो तुमको दिखाई दे रहा है, कैसे बना तुम्हारा ये? हर एक पॉइंट को किससे कनेक्ट करके? सेंटर से कनेक्ट करके। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? चलो ठीक है। अब आगे ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं इन तीनों फिगर को, अब अगर मैं इन तीनों के तीनों कहते हैं चीजों को अगर मैं अलग कर देता हूं, तो यही होगा ना? ये हिस्सा अलग कर दिया, ये हिस्सा अलग कर दिया, ये हिस्सा अलग कर दिया, यही बनेगा ना? इसको थोड़ा सा ऐसे बना दे, थोड़ा मजा आ जाएगा। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। ये पता है क्या है तुम्हारे? ये है तुम्हारे ट्राइंगल के तीनों हिस्से। सबको क्लियर है कि नहीं है? ये है तुम्हारे ट्राइंगल के तीनों हिस्से। बच्चों क्या होगा अगर मैं तीनों हिस्सों को दोबारा जोड़ देता हूं? तो ये जुड़ करके क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये बन जाएगा, एबीसी कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इन तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया कंबाइंड हो करके बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकलता है। क्या सबको यहां तक बात समझ में आई? ये तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल मिल करके एक बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी का निर्माण करते हैं। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इस ट्रायंगल का नाम है ए ओ बी। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ए ओ सी। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? बी ओ सी। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए बी सी का अकेले का एरिया इन तीनों के कंबाइंड एरिया के बराबर है। ए ओ बी प्लस ए ओ सी प्लस बी ओ सी। क्या सबको यहां तक समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है। तो अब यहां पर एक बच्चा बोलता है कि भैया यहां तक तो हमको कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन ये बताइए कि ये एक्स कैसे निकाला जाए? क्वेश्चन है एरिया निकालने के लिए तो नहीं बोला है आपको। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन तो बेसिकली इतनी सी बात कही है और चला गया। तो अब आप ये बताइए कि आप ये x के लिए कैसे फाइंड करोगे और ये एरिया कैसे, क्या रिलेशन है? देखो, मैंने ना अभी तक कुल मिलाकर के 5 से 6 किताबें देख ली होगी इन कुछ सालों में, मेरे को आज तक इस क्वेश्चन का कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिला। तुम्हारे पास अगर होगा तो प्लीज मेरे को बताना है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? इस क्वेश्चन का ना मेरे को कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिला है करने का।
हालांकि इसका सिर्फ और सिर्फ भी एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है किसी भी बुक को अगर आप उठा करके देख यहाँ तक क्लियर की नहीं है। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एग्जाम आइडिया, अरिहंत, और वो कौन सी होती तुम्हारी, वो क्या नाम है उसका, शिवदास हो गया, ठीक है ना, कई सारी ओसवाल वगैरह भी हो गए, मतलब कई सारी बुकें ऐसी हैं जहां पर उसका एग्जैक्टली वही सोल्यूशन है जो कई सालों से रिपीट हुआ जा रहा है। इसका कोई भी आज तक एक क्रिएटिव सोल्यूशन हमको दिखाई नहीं दिया, तो मैं भी तुमको भी वही बताऊंगा सिंपल है समझने के लिए। ये तुमको समझ में आ गया ये वाला, बस यही है कि बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया तीन छोटे छोटे ट्रायंगल के एरिया को कंबाइंड करके मिलता है, बस इतना सा ही कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट पता है क्या है, ट्विस्ट है यहाँ पर ये कि हम इन सबका एरिया ना एक ही फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया बच्चों दो कई फॉर्मूले में डिवाइडेड है, ट्रायंगल का एरिया जो है कई तरीके से निकाला जा सकता है। सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला आपको उसने पढ़ाया होगा, पता है कौन सा वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, याद आ रहा है, भूल गए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कहां लगाएंगे, ये लगाएंगे इन छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ट्रायंगल का एक और फेमस फॉर्मूला होता है जो कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, पहली बार पढ़ा होगा आपने, उसका नाम पता है क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले से भी ट्रायंगल के एरिया आता है कि नहीं आता है, आया समझ में कि नहीं आया, सेम टू सेम ट्रायंगल के एरिया आएगा। तो हीरोन्स फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे कौन से ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए, एबीसी का। तो यहां हम लोग इस्तेमाल करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला और यहां पर इस्तेमाल करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इन दोनों ही सॉरी फॉर्मूले से बनी हुई इक्वेशन को हम आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। यहां जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो एक इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी, बनेगी कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी, और जब हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यार यहां पर भी एक टाइप की इक्वेशन बनेगी। हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देंगे, बताना जरा हमने ऐसा क्यों करा होगा, दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट हमने क्यों किया होगा, इक्वल एरिया है। आप चाहे ट्रायंगल का एरिया एक एक करके निकालो या फिर कंबाइंड निकालो, सेम ही तो आएगा, नहीं समझे बात को, आई बात तुमको समझ में भाई, साहिल को चाहे आप यहां से देखो चाहे आप ऐसे करके देखो, साहिल साहिल दिखने वाला है, साहिल शाहरुख खान तो नहीं दिखाई देगा, समझ में आया कि नहीं आया, आई बात तुमको समझ में। इसलिए ट्रायंगल का एरिया आप चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालिए या फिर हीरोन फॉर्मूला से निकालिए, सेम ही एरिया है, इसलिए हमने क्या करा इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करा, इक्वेट कर दिया। और जैसे ही यहाँ पर इक्वेशन आपस में इक्वेट हो गई ना, बस एक्स की वैल्यू वहीं से निकलेगी, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझे बात को, अब देखते रहिए, जहां पर नहीं आएगा पूछना। तो सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं, ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। तो ये है इसका सॉल्यूशन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अरे नहीं बात मत करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने वाले, भाई सुनो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने वाले, लेकिन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके, हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करके। क्या हीरोन फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाते हो या फिर उससे पहले कुछ निकालना होता है, एस निकालना होता है, एस क्या होता है, एकदम सही, सेमी पेरीमीटर है कि नहीं है, पेरीमीटर का हाफ। तो सबसे पहले एस निकाला जाएगा, एस होता है तुम्हारा क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। बच्चों अगर मैं इस ट्रायंगल की साइड को ऐसे मान लू, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो मैं ए के बदले क्या लिखूंगा 14, B के बदले क्या लिखूंगा 8 प्लस एक्स, और C के बदले क्या लिखूंगा 6 प्लस एक्स। सबको क्लियर है यहां तक का, चलिए ठीक है आगे देखिए, ये 8 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 14, वो 14 और ये 14 कितना हो गया 28, ये x और ये x मिलकर क्या हो गया 2x। सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं है, और नीचे क्या चल रहा है 2 चल रहा है, ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या रह जाएगा अंदर 14 प्लस एक्स और नीचे क्या चल रहा होगा 2, कट सकता है ये वाला, तो फाइनली तुम्हारा एस कितना आ गया, एकदम सही एस आ गया तुम्हारे पास 14 प्लस में एक्स। सबको समझ में आ गया यहां तक का, ठीक है। अच्छा एस निकलने के बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला, तो ये रहा हीरोन्स फॉर्मूला, याद है चलो देखो अबे याद होगा, ये नलायक से नलायक बच्चों को भी याद है, पता नहीं किस वजह से। ये हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबको क्लियर है यहां तक का, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करने वाला, तो देखते हैं कौन सा बच्चा समझ पाएगा, इधर फोकस करिएगा आराम से। बच्चों एस का मतलब क्या हो गया 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस ए, और ए क्या है बताना जरा 14,
14 प्लस एक्स माइनस 14, एस माइनस बी, 14 प्लस एक्स, बी का मतलब क्या हो गया, 8 प्लस एक्स, ये बी हो गया ना, माइनस बी यानी कि माइनस का 8 माइनस का एक्स, क्लियर है कि नहीं है, आया समझ में कि नहीं आया, असल में मेरे को ये कुछ ऐसा लिखना था, 8 प्लस एक्स लिखना था, ये हो गया तुम्हारा एस, ये हो गया तुम्हारा बी, तो एस माइनस बी, लेकिन जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो पता है क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये जाएगा माइनस का एक्स, क्या सबको यहां तक समझ में आ गया, क्योंकि सेम कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा एस माइनस सी के लिए, पता ना क्या होगा यहां पर, एस माइनस सी यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, क्या सबको यहां तक क्लियर है, आइए देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो 14 से 14 कैंसिल हो सकता है, x से x कैंसिल हो सकता है, सेम टू सेम यहां से भी x x कैंसिल हो गया, देखते हैं क्या क्या बचा होगा, तो बचा है 14 प्लस x, क्या क्या बचा है x, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 6 गया 8, बंद कर लो भाई, कितना आ गया सॉल्व करके देखना जरा एक बार, 6 8 जा 48 इंटू में x, तो 48 इंटू एक्स और ब्रैकेट में क्या चल रहा है 14 प्लस में x, और वो भी रूट के अंदर है ना, देखो बहुत मन करेगा तुम्हारा ये 48x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने का, बुलाएगा ही जानेगा नहीं, ठीक है ना, बोलेगा आओ मल्टीप्लाई करो मुझे, नहीं 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 मल्टीप्लाई नहीं करना, जहां मल्टीप्लाई कर दिया बस वहीं से काम इतना खराब तो नहीं होगा लेकिन काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझे कि नहीं है भाई, हमको सोल्यूशन निकालना है, समझे, हमको सोल्यूशन निकालना, हमको प्रॉब्लम नहीं बनाना, बात समझ आई कि नहीं आई, तो ये हो जाएगा, तो तुमको बहुत मन करेगा कि अरे हमको तो आता है अंदर अंदर मल्टीप्लाई मत करना, समझ में आया कि नहीं आया, आजकल चाइना के फोन हर किसी के हाथ में आ जाते हैं, इतने सस्ते हो गए, सबको समझ आ गया तक का, सबको क्लियर है तक का, तो ये है, तो बच्चों अभी के लिए ना इसको यही पर रोक दो, अभी के लिए इसको यही पर रोक दो, इसके आगे सॉल्व मत करना इसको, इसके आगे अब हम क्या पता है क्या करेंगे, हमने ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया तो निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे छोटे छोटे तीन ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे, तो छोटे छोटे तीन ट्रायंगल देखो ये है तुम्हारे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, एओबी एओसी और बीओसी, बच्चों फिगर में दिखाई दे रहा है, एओबी एओसी BOC, मैंने क्या बोला था कि यार इन तीनों ट्रायंगल के एरिया हम लोग कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से, अब एक बच्चा बोलता है कि भैया इधर आओ बात सुनो, अगर मैं ये BOC वाला ट्रायंगल उठाता हूं तो मेरे को यहां पर बेस तो दिख जाता है 14 सेंटीमीटर का, लेकिन यार हाइट तो है ही नहीं, हाइट है क्या यहां पे, देखो अरे हाइट सच में नहीं है लेकिन हाइट बनानी तो पड़ सकी, तो हाइट बनाते हैं, तो ये हाइट जैसे ही बनाई, ध्यान रखना हाइट परपेंडिकुलर होती है, तो ये हाइट जैसे ही बनाई अचानक से दिमाग में एक बात आई क्या, अरे ये तो रेडियस है और रेडियस आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 4, यानी कि ये वाला जो तरीका है वो तीनों के तीनों ट्रायंगल में लगेगा, यानी कि ट्रायंगल की जो साइड है वो एज अ बेस काम करेगी और जो रेडियस है वो काम करेगी एज अ हाइट, तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा बेस हाइट, बेस हाइट, बेस और ये हाइट, क्या सबको यहां तक समझ में आ गया, पक्का क्लियर है, ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि यार तुम लोग ध्यान से देखो ट्रायंगल AOB को और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस और हाइट बताओ, ट्रायंगल AOB को ध्यान से देखो और बेस और हाइट बताइए, बेस कितना होगा इसका, बेस और हाइट कितनी होगी इसकी, तो बेस हो गया इसका 6 प्लस एक्स और हाइट कितनी होगी इसकी 4, क्या सबको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, ट्रायंगल AOC ध्यान से देखो, AOC दिख गया, AOC ठीक है, इसमें बेस और हाइट बताना, तो ये बेस हो गया 8 प्लस एक्स और हाइट कितनी हो गई 4, अच्छा अब तीसरा ट्रायंगल देखो BOC, इसमें बताइए बेस क्या होगा और हाइट कितनी होगी 4, बच्चों यहां तक क्लियर है कि नहीं है बताओ, पक्का सही में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है, तो जैसा बोला था यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला, यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कुछ काट सकते हैं क्या, ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर अंदर, यहां पर कोई रोक टोक नहीं है, 2 को जरा 6 से मल्टीप्लाई करना 12, 2 को जरा x से मल्टीप्लाई करना 2x, 2 को जरा 8 से मल्टीप्लाई करना 16, 2 को जरा x से मल्टीप्लाई करना 2x और 2 को जरा 14 से मल्टीप्लाई करना
एक खत्म करा दू, ये कितना हो गया 28, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ 12 और 16 कितना हो गया, 12 और 16 कितना हो गया, 12 और 16 कितना हो गया 28, और ये भी क्या है 28, 28 और वो 28, अबे 28 का स्क्वायर नहीं दे 56, 2x और 2x कितना हो गया, क्लियर है यहां तक कि नहीं है बताओ, पक्का समझ आ गया यहां तक का? चलो ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आओ बच्चों, ये तीनों का एरिया जब हम कंबाइंड कर देंगे, जब हम AOB का एरिया और AOC का एरिया और BOC का एरिया तीनों का एरिया जब हम कंबाइंड करेंगे तो कौन सा एरिया मिलेगा बताना जरा हमको, ABC का एरिया नहीं मिलेगा हमको, दिमाग लगाओ है कि नहीं है? जब मैं इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दूंगा तो हमको ट्रायंगल ABC का एरिया मिलेगा, तो मैंने इन तीनों ट्रायंगल को जोड़ दिया और कंबाइंड होकर हमको कौन सा एरिया मिल गया, ABC का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बच्चों अब यहां पर देखिए कौन से दो इक्वेशन की बात कर रहा था मैं, एक इक्वेशन बच्चों ये है जो कब निकला है, हीरोन सोना लगा कर, और एक इक्वेशन ये है जो कब निकला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा कर, क्लियर है कि नहीं है? हालांकि ये दोनों किसके एरिया है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया है, ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया और ये भी ट्रायंगल एबीसी का एरिया, एबीसी का एरिया बराबर ये, एबीसी का एरिया बराबर वो, ये बराबर वो, कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को, तो यहां पर मैं कंपेयर कर रहा हूं और बाकी कैलकुलेशन देखते हैं कि तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हाँ यहां पे इधर कॉमन क्या ही करेगा, लेकर के सब जुड़ रहे हैं, यहां पे कॉमन ले सकती है, ठीक है ना? तो बच्चों ये वाला एरिया बराबर ये वाला एरिया है क्या तुम्हारे पास, अंडर रूट 48 एक्स और 14 प्लस एक्स, बराबर में ये क्या है, ये वाला क्या है 56 प्लस में 4x, क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? बच्चों इसके आगे की कैलकुलेशन मतलब यहां तक एक बार करो, अभी मैं आता हूं 5 मिनट, या फिर इसके आगे पक्का, यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर है यहां तक का पक्का, कितने बच्चों को समझ में आ गया यहां तक का, एक्स भी आ गया, अरे वाह। अच्छा ये बताओ क्या अगर मैं मतलब ये सोल्यूशन मिटा दूं कितने बच्चे अपने आप कर पाएंगे उसको, कितने बच्चे अपने आप कर पाएंगे अगर सोल्यूशन मिटा दूं तो? बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना तुमको कि तीनों का एरिया बराबर बड़े वाले का एरिया, क्लियर है कि नहीं? भाई घर पे पक्का प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, पक्का होना चाहिए। अच्छा ठीक है ये बताओ कि रूट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा बताना जरा, 48x और 14 प्लस एक्स, हाँ बंद कर दे बाहर से, बंद कर, रुक जा ए, रुक जाओ भाई क्या हो गया। अच्छा सुनो ये जो नॉर्मल ब्रैकेट है ना इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, ये वाला ये जो नॉर्मल ब्रैकेट है इसको मैंने क्या बना दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट। रीजन इसलिए कि यार मैं यहां से ना कुछ कॉमन लेने वाला हूं, पता है क्या, फोर कॉमन ले सकते हैं कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 14 प्लस एक्स, यानी कि अभी जो स्क्वायर है ना ये दोनों का होगा, ये 4 का भी होगा और 14 प्लस एक्स का भी होगा, 4 का भी स्क्वायर होगा और 14 प्लस एक्स का भी स्क्वायर होगा, ये रखते 4 का भी स्क्वायर होगा और 14 प्लस एक्स का भी स्क्वायर होगा, है कि नहीं है? अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, आरो 5 मिनट, बच्चों 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा ये वाला 14, अरे नहीं भाई मत खोलना भाई, बुलाएगी जाने का नहीं, बंद कर, क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा 16 से 48 कितनी बारी में, 3 बारी में। अब ध्यान से देखिए बच्चों इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है, का होल स्क्वायर, ये एक बारी में है ये दो बारी में है, तो एक बारी से एक बारी कट सकता है कि नहीं कट सकता है? भाई देखो यहां पर बच्चा ना अपने लिए प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर लेगा, पता है कैसे करके, यहां पर होल स्क्वायर लगा, मेरे को आता है मैं लगाऊंगा, मत करना ऐसे भाई, आता है लगाओगे तुम्हारी लग जाएगी, अबे मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम लग जाएगी, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया? हाँ ठीक है,
तो ये है भाई, ऐसे मत सॉल्व करना, जितना हो सके उतना सिंपलीफाई करके सॉल्व कर। सबको क्लियर हुआ यहां तक का? अच्छा अब देखते हैं कि यार LHS में और RHS में बचा ही क्या है। अच्छा यहां पर क्या बचा होगा, यहां पर अब क्या बचा होगा, 3x। यहां पर क्या बचा होगा, बस 14 प्लस x। थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, पता है x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं है? पक्का समझ में आ गया, x कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। लेकिन यार क्वेश्चन में x के लिए तो पूछी नहीं थी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, AB बताओ और AC बताओ, AB की वैल्यू बताइए और AC की वैल्यू बताइए, ये बोला था क्वेश्चन ने। अब आप क्या करोगे, अब आप AB और AC निकालो। AB की है वैल्यू कितनी, ये रहा AB, 6 प्लस x, यानी कि 6 प्लस 7, यानी कि कितना, 7 6 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और AC कितना आएगा, AC कितना आएगा, 8 प्लस x, यानी कि 8 प्लस 7, यानी कि 15 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों यहां तक क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया क्या हुआ, पक्का क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही बेसिक, बाकी तो कैलकुलेशन ही है ना, बहुत ही बेसिक तरीका तो एक यार दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालिए अलग अलग तरीके से। एक बार हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, एक बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, फिर दोनों ही इक्वेशन पर आ करके दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि असल में दोनों किसका एरिया है, एबीसी ट्रायंगल का एरिया है। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? पक्का ट्राई करोगे घर पे आके, पक्का ट्राई करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं रिकमेंड कर देता हूँ बच्चों, पक्का इनको ट्राई करना और तुम्हारा चैप्टर सर्कल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबको समझ में आ गया? हाँ जी यार, बुक दे देना एक बार, ये कुछ क्वेश्चन मार्क कर लो, ठीक है ना, ये अच्छे क्वेश्चन है करने लायक, ठीक है। एक तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, 38, 39, 39, 40, 47, 47 और इनके सॉल्यूशंस देखने। ये हो गया, यहां तक लिख दिया ना तुम लोगों ने, इनको क्वेश्चन को पक्का ट्राई कर लेना। और ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ भाई, इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इसको समझना अच्छे से। ये पेपर में क्या कहते हैं, आया तो नहीं है लेकिन हो सकता है क्या आने के चांसेस हो, क्या ही पता हमको, तो इसे मैंने सॉल्यूशन डाल दिया। कौन कौन सा क्वेश्चन है पता है, 46 और 52, इन क्वेश्चन को भी पक्का देखना बच्चों, कर लोगे बताओ, इन क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, जैसे जैसे होते रहे खत्म करते रहना, और जो क्वेश्चन नहीं हो पाता ना अगली क्लास में उसको एज अ डाउट खत्म कर दिया जाएगा। सही में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है बच्चों, ये लो, चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।